नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां एक बार फिर से करण और ऋषभ प्रीता के बीच में भिड़न देखने को मिलेगी, जहां पर करण लेगा नीलामी में हिस्सा और नीलामी में हिस्सा लेने के बाद में जो कि करण अपने आप को बोलता हुआ नजर आएगा कि आप तो मुझे जानते ही हैं, जिसके बाद में प्रीता बोलती हैं कि आई नो अर्जुन सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपकमिंग एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब करण वहाँ पर पहुँचकर जहाँ पर नीलामी होती है उन लोगों की जात मारता हुआ यानी कि पानी उतारता हुआ नज़र आने वाला है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर से एक नज़ारा और देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी भी उस नीलामी का हिस्सा बन चुके हैं और पृथ्वी नीलामी का हिस्सा इस कदर बने हैं कि उन्होंने अब आने वाले एपिसोड में और भी ज़्यादा अपना हाथ आजमाया है, जिसमें देखने को मिलेगा कि नीलामी में पृथ्वी को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि सबका सब जो कि खुद करण अपनी बात की जाए अपनी नीलामी में खुद ही सब चीज़ों को खरीद लेगा। लेकिन दोस्तों प्रीता और ऋषभ को अफसोस होगा कि आखिर ये अर्जुन सब कुछ क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अर्जुन कोई और नहीं बल्कि ये करण ही है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपकमिंग एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से सूर्यवंशी के किरदार में आया है अर्जुन, सूर्यवंशी बनकर करण ने उस बात की जाए तो भाग लिया है नीलामी में, जिसमें करण के हर चीज़ बैट बॉल पैड ग्लव्स हेलमेट सभी कुछ जो कि नीलाम हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब सबसे आखिर की जो बोली लगनी है वो सिर्फ करण के नाम पर ही जानी है, जिसमें कि देखा जाएगा, सभी लोग देखेंगे कि वाह अर्जुन सूर्यवंशी ने कितना अच्छा कमाल किया है। लेकिन दोस्तों सभी लोग नहीं जानते कि ये अर्जुन सूर्यवंशी नहीं है बल्कि ये ही बी करण लूथरा है, और बी करण लूथरा किसी से डरता भी नहीं है। साथ ही दोस्तों अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। गाइस थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी।